विधानमंडल या चोरों की मंडली कहकर फंसे संजय राउत। अब कार्रवाई के लिए राज्यसभा सभापति के पास भेजा जाएगा पत्र। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। कुछ दिनों पहले संजय राउत ने महाराष्ट्र विधानमंडल को चोरों की मंडली कहा था। उस समय राउत के इस बयान का जबरदस्त विरोध हुआ था। इतना ही नहीं, राउत के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव भी बीजेपी नेता द्वारा लाया गया था। अब यह मामला तूल पकड़ रहा है। महाराष्ट्र विधान परिषद की विशेषाधिकार समिति के प्रमुख और बीजेपी नेता प्रसाद लाड ने अहम आदेश दिया है। लाड ने परिषद सचिव से संजय राउत के खिलाफ बीजेपी विधायक द्वारा लाए गए विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव के खिलाफ कार्रवाई करने और मामले को राज्यसभा के सभापति के पास भेजने को कहा है। संजय राउत को फरवरी महीने में महाराष्ट्र विधानमंडल को चोरों की मंडली कहने के लिए विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया गया था। इस मामले में बीजेपी MLC राम शिंदे ने संजय राउत के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पेश किया था। प्रसाद लाड ने विधान परिषद सचिव को लिखे पत्र में कहा कि यह मुद्दा आपके समक्ष काफी समय से विचाराधीन है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप इस मामले में उचित निर्णय लें और इसे राज्यसभा के सभापति के पास भेजें। प्रसाद लाड ने आगे कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर को संजय राउत के खिलाफ इसी तरह का विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव मिला था, जिसे बीते 6 अप्रैल को राज्यसभा सभापति को भेजा गया है। सदन का अपमान करने के लिए राउत के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। महाराष्ट्र विधान परिषद की उपसभापति नीलम गोरहे ने बीते मार्च महीने में संजय राउत के बयान को असंतोषजनक मानते हुए उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के पास भेजा था, जबकि धनखड़ ने मई में इस मामले को राज्यसभा विशेषाधिकार समिति को भेज दिया था। ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।